एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन एग्रीमेंट दैट इज इन बाय लॉ तो आप सभी ने बिजनेस लॉ में ये चीज पढ़ी होगी तो एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय एक्सपोर्टर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू इंपोर्टर फॉर अ प्राइस यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में एग्रीमेंट होता है कि एक्सपोर्टर जो है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे इंपोर्टर को एक्सपोर्ट करेगा और जो इंपोर्टर है उसको रिसीव करेगा और इम्पोर्टर पैसा से पे करेगा किसको एक्सपोर्टर को एक्सपोर्टर इंपोर्टर को प्रोडक्ट देगा और इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा प्राइस का पेमेंट करेगा तो यहां पर देखेंगे तो चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से टू पार्टीज दो पार्टी यहां पर होनी चाहिए एक एक्सपोर्टर होगा और एक इंपोर्टर होगा एक्सपोर्टर जो है ट्रांसफर करेगा गुड्स को और इंपोर्टर जो है वो पे करेगा प्राइस को ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा गुड्स होगा और उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक प्राइस होगी तो ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है यहां पर होते हैं एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में तो एक्सपोर्ट सेल्स यानी कि आप क्या कर रहे हो सेल कर रहे हो किसी दूसरी कंट्री को और आप एक्सपोर्ट करोगे गुड्स को और सामने वाला पर्सन जो इंपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्री में वो आपको उसके बदले पैसे पे करेगा मनी जो है वो पे करेगा तो जब भी एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर्मलेट होता है फिर एग्जीक्यूट होता है तो वहां पर चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में सबसे पहला चीज इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स यानी कि जब भी कोई गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से यूएसए आप कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में उस गुड्स का इंश्योरेंस किया जाता है भाई आप बाई एयर या फिर बाई वाटर शिपमेंट के जरिए जो है आप सामान को भेज रहे हो सिप डूब गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई ब्रो, ब्रोकेज हो गया या फिर लीक हो गया तो उस केस में गुड्स को हम क्या कहते हैं उस सबसे बचने के लिए इंश्योर करते हैं तो इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स होना चाहिए जब भी एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पर इंश्योरेंस होना चाहिए उस गुड्स का दूसरा पेमेंट ऑफ द गुड्स यानी कि गुड्स का पेमेंट कैसे होगा यह पहले ही आप स्पेसिफाई कर लोगे यानी कि आपको डिलीवर कर देंगे तब आप पेमेंट करोगे या फिर लेटर ऑफ गेट के जरिए पेमेंट करोगे या फिर कैश ऑन डॉक्यूमेंट होगा तो पेमेंट का मोड क्या

द्वारा टू द शिपर यानी कि इंडिया में कोई कंपनी है उसको कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है और किसी के पास शिप है वो जो है यूएसए जाती है तो वो शिप जो है एक डॉक्यूमेंट देगा किसको कंपनी कंपनी को जो जो इंडिया की एक्सपोर्ट कर रही है उसको एक डॉक्यूमेंट देगा जिसको बिल ऑफ लेडिंग कहा जाता है जिसमें टाइप क्वांटिटी डेस्टिनेशन ये सारी चीजें डिटेल होती हैं कि कौन सा सामान कब जाना है किस टाइप का सामान है और कितनी क्वांटिटी में वो सारी डिटेल होती है बिल ऑफ लेडिंग में तो बिल ऑफ लेडिंग कौन देता है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देती है किसको देती है जो एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए और चौथा इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में होता है तो आप बात कर लें कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं होनी चाहिए पहला एक्सपोर्टर्स यानी कि सेलर्स रजिस्टर्ड नेम एंड एड्रेस जो एक्सपोर्टर का रजिस्टर्ड नेम है उसका नेम एड्रेस होना चाहिए वहीं पे दूसरा इंपोर्टर का भी जो है रजिस्टर्ड नेम और एड्रेस होना चाहिए तीसरा पर्पज ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि जो एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है यानी कि मर्चेंडाइज जो भी बेची जा रही है वो कौन सी है उसके बारे में आप डिटेल देंगे नंबर एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स यानी कि कितनी क्वांटिटी में गुड्स को एक्सपोर्ट करना है टोटल प्राइस क्या है टोटल वैल्यू क्या है कौन सी करेंसी में जो है वहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है डिलीवरी डेट क्या होगी सिप की डेट क्या होगी या फिर क्या पीरियड होगा टर्म ऑफ डिलीवरी यानी कि डिलीवरी से रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी नॉर्मली इनको इनको टर्म टर्म होता है इनको टर्म को हम कहते हैं नॉर्मलीशनल कॉमर्शियल इंटरनेशनलनाइज रूल होता है जब भी सेलर और बायर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर कुछ रूल्स होते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना जरूरी होता है तो टर्म्स ऑफ डिलीवरी डिलीवरी के टर्म्स को भी आप यहां पर मैंशन करना पड़ेगा कुछ जगहों पर क्या होता है कि जैसे इंडिया के जो इंडिया का जो एक्सपोर्टर है उसने जैसे ही शिपमेंट में जो है लोड कर देता है सामान तो उसका जो है रिस्क खत्म हो जाता है अब जो रिस्क किसका है इंपोर्टर का है वहीं पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर एक्सपोर्टर की रिस्क होती है जब तक कि इंपोर्टर के पास वो सामान नहीं पहुंचा है तो टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है वहां पर इन डिटेट होनी चाहिए टर्म्स या फिर मोड ऑफ पेमेंट के बारे में वहां पर बताया जाना चाहिए एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में कि ओपन अकाउंट पेमेंट होगा कैश ऑन डॉक्यूमेंट होगा लेटर ऑफ क्रेडिट होगा किस जरिए जो है वहां पर पेमेंट होगा ओपन अकाउंट में क्या होता है कि जब एक्सपोर्टर डिलीवर कर देगा इंपोर्टर को तब जो है इंपोर्टर पेमेंट करेगा कैश ऑन डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि एक्सपोर्टर ने डिलीवर कर दिया उसके बाद फिर जो है इंपोर्टर से डॉक्यूमेंट मिलेगा एक्सपोर्टर को एक्सपोर्टर बैंक में जाकर डॉक्यूमेंट दिखाएगा तब उसको जो है पेमेंट मिलता है लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि इंपोर्टर का जो बैंक है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है और फिर वो एक्सपोर्टर को देता है एक्सपोर्टर अपने बैंक में दिखाएगा फिर उसको जो है वहाँ पर पेमेंट मिलता है तो डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट है तो कौन सा टर्म कौन सा मोड ऑफ पेमेंट होगा उसके बारे में वहां पर एक्सपोर्ट सेल्स में डिटेल होनी चाहिए मेथड ऑफ पैकिंग मार्किंग लेबलिंग इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए कि पैकिंग कैसी होगी लेबलिंग क्या होगी मार्किंग क्या, क्या होगा उस आ, कार्गो में कार्गो इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म्स तो कार्गो के इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है जो भी पॉलिसी है टर्म्स है उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नंबर जो है यहां पर दिया जाता है इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नंबर जो है जनरेट किया जाना चाहिए तो उसकी डिटेल जो है आपको देनी होगी एक्सपोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड ज्यूडिस्डिक्शन तो सेटलमेंट कहाँ पे हो गया अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और किस लॉ के अंदर आएगा इंडिया के लॉ के अंदर आएगा इंटरनेशनल लॉ में जाएगा या फिर पर्टिकुलर किसी कंट्री के लॉ में जाएगा उसकी डिटेल वहां पर देनी होगी एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट सिग्नेचर बोथ पार्टीज मस्ट इंश्योर दैट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एट डायरेक्टर और मैनेजर लेवल साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द डेटा शुड बी रिकॉर्डेड तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है ये जो है चीज़ें होनी चाहिए ये ऐसा नहीं है कि यही फिक्स होंगी लेकिन ये बेसिक है बेसिक है एक्सपोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट में ये डिटेल्स होनी चाहिए इसके अलावा भी जो है नीट बेसिस पे जो है यहाँ पर एडिशन किए जा सकते हैं अदर डिटेल्स भी इसमें एड ऑन किए जा सकते हैं तो ये कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की कि वहाँ पर एक्सपोर्टर की डिटेल इंपोर्टर की डिटेल पर्पज क्या है क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या है प्राइस क्या है टोटल वैल्यू क्या है कार्गो का इंश्योरेंस है कि नहीं है डिलीवरी को लेके क्या टर्म्स है पेमेंट का क्या टर्म्स है डिलीवरी डेट क्या होगी मेथड ऑफ पैकिंग क्या होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नंबर की डिटेल दीजिए डिस्प्यूट अगर होगा तो कहाँ पर उसको रिजॉल्व किया जाएगा और जो है दोनों ही लेवल पर इंपोर्टर एक्सपोर्टर के डायरेक्टर या फिर मैनेजर लेवल का किसी पर्सन का साइन होना चाहिए तो ये एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए विश यू ऑल द बेस्ट कीप पॉचिंग